वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टीएस फूडीज। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वह है फिंगर फिश। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधा किलो मैंने फिंगर फिश ले लिया, उसको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया। अब खुश कर लें इसे अच्छी तरह। अब इसको मसाला लगा लेते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अब इसके बाद डालेंगे 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए फिश मसाला, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया, उसको अच्छी तरह फेंट लें। अब वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 लीमू, 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है बेसन, 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसे मिक्स हो गया है। अब इसके बाद डालेंगे वाइट सिरका 2 से 3 टेबलस्पून ताकि फिश का टेस्ट अच्छा आए। अब इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो गया, मैंने कुकिंग ऑयल चूल्हे पर रख दिया, गर्म हो गया। अब उसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1 करके फिश के पीस डाल देंगे। अब देखिए फिश हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ताकि इसका और अच्छा टेस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। अब ढाबा स्टाइल की ये फिंगर फिश मैंने बनाई है। आप देखें कैसे जूसी लग रही है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।